अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और खैर ऑफियत से होंगे। डब्ल्यू मोटर्स की तरफ से खुश आमदीद, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए डे बाई डे हर रोज़ किसी न किसी गाड़ी का बैकग्राउंड और फॉर सेल वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। इसी तरह आज हम एक नई गाड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम जिस गाड़ी का बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये होंडा की एन बॉक्स है, 2015 मॉडल है, 2019 की गाड़ी रजिस्टर्ड है। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी बैकग्राउंड इससे पहले किए हैं कि उन तमाम गाड़ियों में इस गाड़ी की फ्रंट लुक सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है इस पर होंडा ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, काफ़ी मेहनत की है। आप देख सकते हैं गाड़ी की जो हेड लाइट्स हैं, इसमें ये जो पार्किंग लाइट्स हैं ये भी वाइट दिए गए हैं, और इसके साथ साथ ये गाड़ी की हेडलाइट्स हैं, और साथ बहुत ही खूबसूरत DRL गाड़ी में दिए गए हैं, और साथ ही नीचे गाड़ी के अंदर जो पार्किंग लाइट्स हैं वो दी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि हेडलाइट के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत जो क्रोम की ग्रिल है वो साथ साथ चल रही है, और फ्रंट पर भी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत क्रोम की ग्रिल है आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है गाड़ी के फ्रंट को जो है डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल है के हवाले से अगर बात करें तो गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है ये हाई डिसेंट साइड प्रोफाइल है, और आप देख सकते हैं कि गाड़ी में काफ़ी खूबसूरत जो कर्व्स हैं वो दिए गए हैं। आप फेंडर के ऊपर देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत कर्व्स हैं जो गाड़ी की बैक में जा रहे हैं, और बैक फेंडर को भी ये कर्व आप देख सकते हैं कि ये कवर किए, ये गाड़ी की लुक को जो है साइड लुक को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इसके साथ साथ जो गाड़ी के साइड मिरर्स हैं इनके अंदर बहुत ही खूबसूरत जो है इंडिकेटर्स दिए गए। इसके साथ साथ जो गाड़ी के अंदर कीलेस स्मार्ट एंट्री का भी फंक्शन दिया गया है। गाड़ी के इंटीरियर के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो गाड़ी का ड्राइविंग साइड का डोर है इसमें काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो एक बहुत खूबसूरत गाड़ी के जो है डोर को लुक देता है, और तमाम जो ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है इसमें आपके साइड मिरर्स जो हैं इनके जो कंट्रोल्स हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक, और जो गाड़ी के विंडोज़ हैं इनके कंट्रोल यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ में अगर आपको दिखाता चलूँ कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर काफ़ी हैंडसम स्पेस है, ये एक फैमिली जैपनीज कार है, और पर्सनली मुझे ख़ुद ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है फैमिली के लिए। ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और ऑप्शन इसके गाड़ी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं आपको अगर दिखाता चलूँ कि ये जो है इस जो ड्राइविंग सीट है इसके अंदर भी हाइट एडजस्टमेंट, बैक एडजस्टमेंट, और गाड़ी जो है आगे पीछे जो सीट है ये आगे पीछे की तरफ मूव भी करती है। तो इसके साथ साथ गाड़ी फुल स्टार्ट है, गाड़ी के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम मौजूद है, और ऑटो रडार गाड़ी के अंदर मौजूद है जो ऑटो ब्रेकिंग करता है। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन मौजूद है। अगर मैं आपको बैक सीट्स के हवाले से गाइड करूँ तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्पेस है। अगर आप फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं और आप लॉन्ग टूर पे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इजीली आप जो बंदे पीछे बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सफ़र कर सकते हैं। इंच के गाड़ी के अंदर बहुत खूबसूरत अलॉय व्हील्स दिए गए। गाड़ी की जो बैक प्रोफाइल है इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं तो ये मैंने आपको जैसा बताया कि ये होंडा की एन बॉक्स है, 2015 मॉडल, और ये होंडा एन बॉक्स कस्टम है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो कस्टम की ब्रांडिंग है वो की गई है, साथ होंडा का लोगो लगाया गया है, और इसके साथ जो होंडा एन बॉक्स है उसका यहाँ पर मोनोग्राम लगाया गया है। गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा लाइट्स भी इंस्टॉल की गई है जो एक गाड़ी को बड़ी खूबसूरत लुक देती है। इसके साथ साथ जो गाड़ी की दूसरी प्रोफाइल है इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल सेम उसी तरह स्क्रैच लेस है, उस साइड की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर भी मैं आपको दोबारा गाइड करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक इंतहाई खूबसूरत एक डीप डिज़ाइन है जो सर गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर बॉडी किट इंस्टॉल्ड है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, इसके अंदर तमाम फीचर्स इंस्टॉल किए गए हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ से गाड़ी का जो इंटीरियर है वो एक बार दोबारा देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत गाड़ी के अंदर ये जर्मन कंपनी फिटेड लाइट्स हैं जो नीचे रेड कलर की लाइट्स ऑन है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताता चलूँ तो गाड़ी के अंदर जो है गाड़ी के रिमोट के अंदर ये फीचर्स भी दिया गया है कि आप गाड़ी के रिमोट को प्रेस करके डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डोर है, इसकी कमांड आपके जो रिमोट में भी दिए गए और ड्राइविंग और जो ड्राइविंग सीट है उसके साथ भी इसकी जनरल कमांड दी गई है कि आप वहाँ से डोर को क्लोज और ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि डोर भी मैंने ओपन किए, ये आप देख सकते हैं कि डोर रिमोट के कंट्रोल से ओपन और क्लोज आपके सामने मैंने किया। इसके साथ साथ ये जो दूसरी साइड पर भी साइड मिरर में बहुत खूबसूरत जो है इंडिकेटर दिया गया और साथ ही यहाँ पर एक जो है मिरर दिया गया जो अंदर एक जो है यहाँ पर एक मिरर जो है दो मिरर इंस्टॉल किए गए जो ड्राइवर के लिए जो लेफ्ट साइड का अगला है कॉर्नर वो और लेफ्ट और ये लेफ्ट साइड सारी जो है ड्राइवर को इस मिरर से उसका व्यू आता है जिससे वो इजीली गाड़ी पार्किंग में गाड़ी को लगा सकता है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको जो है गाड़ी के हवाले से मुझे बताता चलूँ तो गाड़ी के अंदर ब्रिजस्टोन के चारों टायर इंस्टॉल किए गए जो एक आप समझ लेंगे 100 में से तकरीबन 80% टायर की कंडीशन है और गाड़ी में किसी किस्म का कोई ऐसा काम होने वाला नहीं है। गाड़ी एक परफेक्ट कंडीशन में है क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी फोर सेल है। इसकी जितनी भी तमाम डिटेल्स हैं गाड़ी की प्राइस के हवाले से गाड़ी के मॉडल के हवाले से वो तमाम डिटेल्स में इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को सिर्फ एक इस गाड़ी की वीडियो को बनाने के लिए हमारे तकरीबन 5 से 6 घंटे दरकार है क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाने से पहले गाड़ी की मुकम्मल डिटेलिंग की है, उसकी भी मैंने कुछ वीडियो शूट की है जो आपने ब्लॉग में देखी होगी जो मैंने इस गाड़ी की डिटेलिंग की है सफाई के हवाले से, तो उसके बाद गाड़ी की वीडियो शूट होती है तो इसमें काफ़ी मेहनत होती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी तमाम वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पूरी मिल सके। थैंक यू सो मच। अपने घर वालों का अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा और नमाज की खसूसी पाबंदी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।